एंड टुडे इज योर मैथ्स क्लास एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स इट हैज ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज ट्रू ओके इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट एंड परपेंडिकुलर फॉल्स ये ट्रू फॉल्स करेंगे स्टूडेंट्स आप अच्छे से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको द डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम आर नॉट परपेंडिकुलर जो डायगोनल्स होते हैं पैलोग्राम के वो परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं अगर होते हैं तो क्यों और नहीं होते हैं तो क्यों तो पहली बात तो वो होते ही नहीं है इक्वल तो क्यों नहीं होते बिकॉज इन अ पैलोग्राम ईस्ट साइड में भी इक्वल जो पैलोग्राम की ईस्ट साइड होती है इक्वल होती है जबकि रोम्बस की ऑल साइड आर सेम और उसकी रोम्बस की चारों साइड क्या होती है सेम होती है क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं या फिर क्वाड्रिलेटर ऑलवेज रोम्बस कहा जा सकता है इफ योर आंसर इज नो ड्रॉ फिगर टू जस्टिफाई योर आंसर ओके सो इसमें ड्रॉ करना है आपको आंसर देना है नो इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज डायगोनल ऑफ काइट ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है आपको वट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर आर फॉर्म मिड पॉइंट्स अगर बनाए जाए तो कौन से बनेंगे रेक्टेंगल से बनेगा रोम्बस एंड रोम्बस से रेक्टेंगल बन सकता है ओके एंड काइट में से रेक्टेंगल एंड एन आइसोसेलिस ट्रेपिज्म में से रोम्बस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 5 ओके इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है तो फर्स्ट है आपका 90 डिग्री ओके इसमें बोला गया है ई ओ एफ क्या है आपका ई एंगल ई ओ एफ ये किस पे बन रहा है आपका 90 डिग्री पे बन रहा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको इफ़ एच इज इक्वल्स टू 12 एच ई 12 है तो जी एच क्या होगा हमारा चारों साइड सेम होती है तो ये भी हमारा 12 ही होगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोल रखा है अगर ई एच जी 48 है तो एच जी एफ क्या होगा आपका ओके इसे इस तरीके से आप सारे फाइंड आउट करेंगे आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू